हेलो एवरीवन, आई एम योर लविंग हार्दिक कुमार। कैसे हैं आप लोग? सो फाइनली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम ऑन अ बाइक राइड। तो बड़ी मुश्किल से निकला हूँ, मतलब अब फाइनली जिगर करके मतलब निकल ही गया, क्योंकि थोड़ा अच्छा है कि अब कोरोना का सेकंड वेव ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, हो रहा है, और वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ रही है। और अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखे आगे, मतलब पिछले वाले, तो आपको पता है मेरा तो ऑलमोस्ट दोनों ही डोज हो चुका है वैक्सीन का। तो खुश हूँ, थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। और आप भी वैक्सीन लगवाइए, सुरक्षित रहिए और कोरोना को हटाइए। तो निकला हूँ बस घर के, मतलब भावनगर के ही आसपास की एक दो जगह है, वहाँ को एक्सप्लोर करना है। काफ़ी टाइम से आना था बट नहीं हो पा रहा था, बट अब फाइनली निकला हूँ। और थोड़ी बहुत बारिश ऑलरेडी हो चुकी है, तो माहौल भी बहुत ही बढ़िया है। और उम्मीद करें कि अब कोरोना थर्ड वेव ना आए, तो सबके लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस खूबसूरत जगह के साथ आज का ये सफ़र, खोड़ियार मंदिर भावनगर। सो यहाँ पे गाइस ये पूरी पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है, जो लोग भी यहाँ आते हैं अपना कार बाइक पार्क कर सकते हैं, और यहाँ से सीधे रास्ते आप जा सकते हैं मंदिर की ओर। तो ये है मेन मंदिर, और यहाँ आसपास पूरा एक छोटा सा मार्केट जैसा ही बना हुआ है, बच्चों के लिए खिलौने, खाने पीने का सामान, पूजा का सामान, ऑलमोस्ट सब कुछ यहीं आसपास आपको मिल जाता है। प्रसाद वगैरह भी। और यहाँ पे ये प्यारा सा तालाब बना हुआ है, और इस तालाब की खासियत ये है कि ये कभी भी सूखता नहीं है, मतलब चाहे गर्मी की सीज़न हो फिर भी इसमें पानी हमेशा भरा हुआ ही रहता है। तो ये इस तालाब की थोड़ी सी खूबी है। और यहाँ तालाब से आगे वहाँ पे एक ऊपर मंदिर बना हुआ है, और यहाँ पीछे ये जो है वो मेन मंदिर है, और यहाँ से ऊपर एक और मंदिर बना हुआ है। और यहाँ ऊपर वाले मंदिर के पास ये रोपवे भी चलता है, सिर्फ वन वे 10 रुपीज़ एंड आना जाना 2 वे 20 रुपीज़ चार्ज है। तो यहाँ से वहाँ तक आप जा सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये मछलियों को खिला रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। एक ये अम्मा जी यहाँ बैठती है, तो 10 रुपये में 2 चीज़ें मिल जाती है, तो किया कीजिए, थोड़ी सी इनकी भी हेल्प हो जाएगी और मछलियाँ भी खुश। तो यही है खोड़ियार मंदिर भावनगर। कोई आसपास नहीं है तो थोड़ी देर के लिए मास्क निकाल रहा हूँ, छुप रहा है यार ये, खैर छोड़ो। तो इस मंदिर का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, स्पेशली भावनगर वालों के लिए, क्योंकि जब भावनगर शहर बसाया गया था तो भावनगर के राजा ने सबसे पहले ये मंदिर बनवाया था, इस इंटेंशन से कि कुल देवी है तो ये पूरे शहर की रक्षा करेगी फ्रॉम नेशनल नेचर डिज़ास्टर और दूसरे आपदाओं से सबसे रक्षा के लिए, तो इसी पर्पज से बनाया था, और तब से ये शहर की रक्षा कर रहे हैं माता। तो भावनगर वालों के लिए कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, कोई भी मन्नत हो तो यहाँ तक तो आ ही जाते हैं, तकरीबन 20 किलोमीटर शहर से होता है तो चल के आ जाते हैं। गर्मियों की छुट्टी में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, हालांकि अभी 2 साल से कोरोना की वजह से इतना कुछ नहीं था, बट अगले साल अब नॉर्मल हो जाएगा तो फिर से वही। और इस साल तो मतलब 10th और 12th वालों को ऐसे ही पास कर दिया, वरना उन लोगों की भी मन्नत होती है बहुत सारे बच्चों की कि भाई पास हो गए, 90% आ गए तो यहाँ तक चल के आ जाएंगे। तो अच्छा प्लेस है, अगर भावनगर के आसपास आप घूम रहे हैं तो डेफिनेटली आइए। और यहाँ तक आप कैसे आ सकते हैं भी आपको बताया दूँ, आप अपना खुद का व्हीकल वगैरह लेके तो ऑफकोर्स आ सकते हैं, वो बड़ा आसान है, 20 किलोमीटर हो रहा है, भावनगर से ज़्यादा कुछ इतना है नहीं, शायद उससे भी कम है।
और अदरवाइज आप प्राइवेट मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से आ सकते हैं, शेयरिंग ऑटो वगैरह मिल जाते हैं, वो टाटा मैजिक मेटर वन टाइप भी चलता है तो उससे भी आप आ सकते हैं। तकरीबन 20-25 रुपये चार्ज करते हैं वन वे के, और कुछ 4-5 लोग हैं और यहाँ से वापस ही जाना है तो स्पेशल अपना भी खुद का हायर कर सकते हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा। अदरवाइज पब्लिक मतलब गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट कोई यहाँ पे ऐसे गवर्नमेंट बसेस वगैरह कुछ नहीं चलती, सिर्फ संडे के दिन यहाँ के सिटी बस चलती है, बट वो भी संडे के दिन एक ही दिन चलती है। तो मैं पहुँच चुका हूँ दूसरे पड़ाव की ओर, जो है सीहोर के अंदर सीहोरी माता का मंदिर, जो कि थोड़ा सा हिल पे बना हुआ है। मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ और खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से पूरे शहर सीहोर शहर का, ऊपर से और भी बढ़िया दिखेगा। और यहाँ पे तकरीबन 380 जितनी सीढ़ियाँ है चढ़ने के लिए, जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी है, अनयूजुअल है, तो जिनके पांव कमज़ोर हो वो नहीं आ सकते यहाँ ऊपर। राउंड फिगर बोले तो करीब करीब 400 सीढ़ियाँ है, स्टेप्स है चढ़ने के लिए, और जो कि चढ़ने में वाकई मुश्किल है। और अब ऊपर तो यहाँ छपरा है तो बारिश और गर्मी के सीज़न में दिक्कत नहीं होती, धूप नहीं लगती, अदरवाइज़ पहले वो भी दिक्कत थी। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नीचे पार्किंग का, दो रास्ते हैं बट दोनों ही जगह पे कुछ खास ऐसा पार्किंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। एंड कार लेके तो आप आ ही नहीं सकते, बहुत रास्ते सकड़े हैं, कार को तो आप कहीं दूर थोड़ा अंदर शहर में पार्क करके आना पड़ेगा, बाइक हो तो चल जाएगा। मैंने भी अभी वहाँ नीचे किसी के घर के पास थोड़ा सा साइड में किसी को दिक्कत ना आए ऐसे लटने रख दिया है। चलिए ऊपर चलते। आपको दिखा रहा हूँ ये एक पत्थर जो कि यहाँ मंदिर के पास है बाहर, ये देख सकते हैं आप, ये इसको चैन से बांधा हुआ है लोहे की, और ऑलमोस्ट ये गिरने वाला ही है, तो मतलब चैन की वजह से कटका हुआ है, तो थोड़ा सा मतलब ऐसे भगवान का साक्षात्कार ऐसे इसको माना जाता है लोग। बाकी काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे है, देख सकते हैं आप। सो गाइस पहुंच चुका हूँ यहाँ सीहोरी माता के मंदिर, जो कि यहीं सीहोर में थोड़ा सा हिल के ऊपर है, बट बहुत ही प्यारी और खूबसूरत जगह है। एंड स्पेशली इस वक्त बारिश के बाद तो मतलब यहाँ का नज़ारा कुछ और होता है। बाकी तो बढ़िया है नज़ारा, और ये थोड़ा सा ऐसा ओपन स्पेस भी है, यहाँ पर आराम से आप बैठ सकते हैं, और कई सारे लोग अपने फैमिली फंक्शन भी छोटे मोटे यहाँ यज्ञ वगैरह करते हैं, तो मस्ट विज़िट आप ट्राई कर सकते हैं। सीहोर में कुछ 4 से 5 जगह अच्छी है घूमने के लिए, टूरिस्ट प्लेसेस आप कह सकते हैं, जो एक दिन में आप आराम से कवर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग खोड़ियार मंदिर जो हम जाके आए, तो आज वही सब हम चुका घूमेंगे एक के बाद एक, तो देखते रहिए वीडियो, मज़ा आएगा। सो लेट मी करेक्ट माई सेल्फ गाइस, एक छोटी सी गलती यही कि एक्चुअली यहाँ पे पार्किंग की स्पेस थोड़ी सी बनी हुई है, तो गाइस उधर मैंने अपना बाइक रखा हुआ है, वहाँ से मैं यहाँ आया और ये मंदिर जाने वाला रास्ता, तो यहाँ पे पार्किंग स्पेस बनी हुई है,
बट ये पूरा गोबर यहाँ पे फैला हुआ है कचरा, तो आप वहाँ अंदर नहीं ले जा सकते। बाकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी स्पेस है।